हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। बात करें पांच कानूनों को लेकर अश्विनी उपाध्याय जी ने जिस भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी उसके अंदर भारत जोड़ो की जगह पूरी एक तरह से दरारें पड़ती हुई दिख गई। जैसे ही भारत जोड़ो आंदोलन का वहां पे आगाज हुआ सारे हिंदुवादी संगठन एक साथ आ गए कि जो अंग्रेजी कानून है उनको पूरा खत्म करेंगे। इसके लिए सब एक जगह वहां पे दिल्ली में जंतर मंतर पर उपस्थित हो गए, लेकिन उनको नहीं पता था कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ ही षड्यंत्र वहां पे रचा गया है और पूरी तरह से उनको तोड़ने का काम वहां पे हो चुका। बात करें वहां पे तो उस आंदोलन का परिणाम क्या निकला आपके सामने, अश्विनी उपाध्याय, इसके अलावा आजाद भाई, विनोद भाई, प्रीत सिंह, इन सबको वहां पे जेल में डाल दिया। उसके बाद में क्या हुआ, अश्विनी उपाध्याय तो वापस आ गए लेकिन बाकी सारे के सारे अभी जेल में रह गए। और बात करें पिंकी भैया की तो उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया कि इस तरह से मतलब उन्हीं की अगुवाई में वहां पे आंदोलन हुआ था तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में अश्विनी उपाध्याय तो बाहर आ गए लेकिन बाकी सब के सब अंदर रह गए। अब सबसे बड़ी बात जो अभी मैं बता रहा हूं वो है पिंकी भैया की कि वो अब उन्होंने यहाँ पे साफ कह दिया है कि मैं अब गिरफ्तारी दे रहा हूं कल 31 तारीख को और कनॉट प्लेस जो थाना है वहां पे दिल्ली में वहां जाकर गिरफ्तारी दूंगा और न्यायालय का सम्मान भी करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उनका वीडियो दिखाता हूं। और जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी मैं अपने धर्म के लिए लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा और तब तक संघर्ष करता रहूंगा जब तक हम भगवा मैं नहीं कर देंगे सबको। मुझे मैं कल दोपहर को जब जेल जाऊंगा तो मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि वह हमारा सहयोग करें और जो आंदोलन हमने छेड़ रखा है उस आंदोलन की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए और आप सभी हमारा सहयोग करें। हम हिंदुत्व के लिए पैदा हुए हैं, उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जय श्री राम। तो यहाँ पे पिंकी भैया ने बोला हम हिंदुत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसकी आग नहीं बुझनी चाहिए। इन्होंने बता दिया कि हमारी कोई भी वहां पे गलती नहीं है। बात करें वहां पे तो आंदोलन 12:30-1 बजे के आसपास वहां पे खत्म हो गया था लेकिन जो नारे लगे थे वो 5 बजे शाम को लगे थे। ऐसे में इन्होंने सबने बता दिया कि हमारी कोई भी गलती नहीं है। फिर भी यहाँ पे एक तरह से जैसे आतंकवादी होता है उस तरह का व्यवहार इनके साथ में किया जा रहा है, सबको अभी जेल में रखा जा रहा है। और अश्विनी उपाध्याय तो इतना जल्दी बदल गए, खुद तो बाहर आ गए लेकिन जो वहां पे आंदोलन में उनको सपोर्ट किया वो सारे के सारे अंदर रह गए। उनको बाहर लाने की तरफ से उनकी तरफ से कोई भी यहां पे बयान नहीं आ रहा है, कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। ऐसे के अंदर हिंदू किस पे भरोसा करेगा, जिसका समर्थन दिया था वो खुद भी बचाने के लिए नहीं आ रहा है। अब बात करें भाई प्रीत सिंह की तो वो भी अंदर ही है अभी तक और उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि प्रीत सिंह क्या कहकर गए थे आंदोलन में, उनका क्या मतलब फिर क्या सोच थी, किस तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं हिंदू को, तो ये देखिए वीडियो। 8 अगस्त को जंतर मंतर सुबह 10 बजे मैं सभी युवाओं से, मेरे साथियों से निवेदन करता हूं कि देश की सारी राजनीतिक पार्टियां हमेशा एकता की बात करती रही, अखंडता की बात करती रही, समता की बात करती रही, समस्ता की बात करती रही, सशक्त भारत की बात करती रही, समृद्ध भारत की बात करती रही, सुसमृद्ध भारत की बात करती रही, श्रेष्ठ भारत की बात करती रही, लेकिन कानून किसी ने भी नहीं बनाया। ये गरीबी को खत्म करने की बात करती रही, कुपोषण को खत्म करने की बात करती रही, अशिक्षा को खत्म करने की बात करती रही और ये कहती है कि लूटपाट देश से खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार देश से खत्म हो जाएगा, लेकिन कानून किसी ने नहीं बनाया। हमारी एक ही डिमांड है कि देश में कानून बना दो और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समाधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए समान शिक्षा, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण, इस तरह के 5 कानून थे, इनको लेकर वहां पे गए थे। इन्होंने क्या और कोई नारे लगाने के लिए आपको कहीं से दिख रहा है इन्होंने वीडियो में क्या बोला, इस तरह से इन्होंने समर्थन दिया था अश्विनी उपाध्याय जी को। लेकिन अफसोस की बात है ये सब जेल में, इनके लिए कोई भी अभी आगे नहीं आ रहा है। अश्विनी उपाध्याय जी मुंह पे पट्टी बांध के चुपचाप बैठे हैं। तो ये था भारत जोड़ो आंदोलन जिसकी शुरुआत हुई थी भारत जोड़ो आंदोलन की 5 कानूनों को लेकर, लेकिन उसको अलग ही डायरेक्शन दे दिया गया पूरा सुनियोजित तरीके से। पहले से ही यहाँ पे उसको तोड़ने का प्लानिंग हो चुकी थी, किस तरह से उसको तोड़ा जाए, आंदोलन का जो डायरेक्शन था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया ताकि आंदोलन इतना मजबूत एक तरह से होता क्योंकि सारे हिंदुवादी एक साथ आ गए थे, लेकिन उनको जगह जगह से तोड़ दिया गया, सबको अलग कर दिया गया। आपका क्या कहना है इसके बारे में, नीचे आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर मेरी बात से सहमत हो तो। और जाने से पहले एक काम जरूर कर दे, अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर दे, पास में जो घंटी का निशान है बेल आइकन उसको जरूर दबा दे क्योंकि अगर उसको नहीं दबाओगे तो आने वाले वीडियोज आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है
घंटी का निशान दबा दे ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में तय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।